स्वागत है आप सबका हमारे चैनल Rhino 3D में। आज हम बनाना सीखेंगे आइसक्रीम बाउल। आइसक्रीम बाउल की 3D मॉडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं हम Rhino 3D सॉफ्टवेयर में। चलिए तो फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा एक आइसक्रीम बाउल, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए हम पहले इसका बीच का हम पोर्शन ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हम एक आर्क टूल लेते हैं। जैसा इसमें शेप दिया हुआ है, कोशिश करेंगे कि हम उसी तरीके से ड्रॉ करें, बट थोड़ा इमेज ब्लर होने की वजह से आप अपने तरीके से भी इसको थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने हिसाब से भी कुछ लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ थोड़ा एरिया हाइड हुआ है, तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से थोड़ा कोशिश करेंगे कि चेंज कर सकें, बल्कि हम इसको पूरा अंडू करके पूरा ही ले लेते हैं एक ही बार में, कुछ इस तरह से। देखिए ये इसके पोर्शन में आ रहा है, तो कुछ इस तरह से हम इसे राउंड करके ले लेते हैं। यहाँ से एक फ्लैट आ रहा है लाइन, तो यहाँ से हम सिर्फ़ एक लाइन लेंगे, आर्क टूल नहीं लेकर के हम सिर्फ लाइन का यूज़ करेंगे, लाइन टूल का। इस तरह से और यहाँ पर ला करके हम इसको, हम इमेज को लॉक कर देते हैं। इसे करते हैं जॉइन, कंट्रोल जे एंड रिवॉल्व कमांड, बीच का एक्सेस देंगे फुल सर्कल, और इसे हम शेडेड करके देखते हैं। देखिए इस तरह से ये आ चुका है। हम बीच का पोर्शन ड्रॉ नहीं करेंगे अभी, बीच में इसमें इमेज में दिखा रखा है, मैं यहाँ कुछ और लगाऊंगा। मैं आपको आगे वीडियो में चलकर बताऊंगा कि मैं यहाँ कहाँ क्या लगाने वाला हूँ। फिलहाल हम इसे ड्रॉ करते हैं आर्क टूल की मदद से एंड लाइन टूल की मदद से। आर्क टूल ही इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जगह जगह कर्व्स हैं। इस तरह से इसे डाउन करेंगे हम, कोशिश करेंगे कि हम मैच कर जाए, बट यहाँ पर इस तरीके से ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने हिसाब से यहाँ पर हम शेप देंगे, थोड़ा सा ब्लरनेस की वजह से दिखाई नहीं दे पा रहा है कि क्या शेप है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कर्व्स हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा ले लेते हैं। ओके, यहाँ से हम एक लाइन लेंगे, इसे कंट्रोल जे करेंगे यानी कि जॉइन और रिवॉल्व कमांड देंगे। उसके बाद रिवॉल्व दिया, एक्सेस पॉइंट एंड फुल सर्कल सॉरी, तैयार हो गया। अब ये ब्लू कलर का एक बेस दिया हुआ है इसके बीच में, इसे बनाने के लिए हम टॉप व्यू पोर्ट में जाते हैं, सर्कल लेते हैं, ज़ीरो एंटर, थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं जितना बड़ा हमें लेना है उस अकॉर्डिंग, थोड़ा सा छोटा करते हैं स्केल 1D। एक्सट्रूड कर्व की कमांड देंगे हम यहाँ, ये देखिए, और इसको इस तरीके से यहाँ लाकर मिला देंगे। एक पॉलीलाइन टूल लेंगे या फिर हम आर्क टूल ले लेते हैं, हम पॉलीलाइन ही लेंगे। यहाँ से हम एक सीधा लाइन लेकर चलते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं। अब लेते हैं हम आर्क टूल लेकर के यहाँ इस तरीके से शेप डिज़ाइन करेंगे। आई थिंक एक और आर्क ले लेते हैं, या लाइक दिस।
कुछ इस तरह से नहीं, थोड़ा नहीं, शेप नहीं लग रहा है ये तो, थोड़ा शेप जो चेंज है इसका अंडू करते हैं हम। नॉर्मल कर्व टूल की मदद से यहाँ पर अपना ड्रॉ करते हैं एक कर्व, बस यहाँ छोड़ देंगे। एंड पॉलीलाइन, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे एंड राइट क्लिक छोड़ देंगे, सबको पकड़ेंगे एंड कंट्रोल जे। ये थोड़ा सा यहाँ पर शार्पनेस दिखाई दे रही है तो शार्पनेस को ठीक करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिलेट कमांड का, फिलेट, नॉर्मल फिलेट, नॉट फिलेट एज। यहाँ पर रेडियस देंगे हम 5, बहुत कम हो गया। दोबारा से देते हैं, ये आ गया हमारा फिलेट। यहाँ हम देते हैं 35, ओके, राउंड हो गया है हमारा। सेम वही रिवॉल्व कमांड देंगे हम इसे, एक्सेस, फुल सर्कल, ओके। यहाँ पर हम, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ये, ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कि हम डायमंड बॉल किस तरीके से बना सकते हैं, 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। ये डायमंड बॉल मैंने इंपोर्ट की है अपना एक प्रोजेक्ट, जो मैं इसके बीच में लगाऊंगा। जहाँ पर अभी एक स्टोन दिखाई दे रहा था लगा हुआ, वहाँ पर मैं ये डायमंड की बॉल लगा फिट करने वाला हूँ। ये देखिए इस जगह पर, हल्का से इसे स्ट्रेच करेंगे इन दोनों पोर्शन के बीच में, इसे हम फिट करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये वन साइड से हो गया, सॉरी, हमें बोथ साइड करना है। बल्कि एक काम करते हैं, इसे हाइड करके देखते हैं, नहीं अभी ठीक नहीं आ रहा, इसलिए अंडू करते हैं हम इसे एंड स्केल 2D की मदद से पूरा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि सब तरफ से सेम साइज़ आए। अब यहाँ से स्ट्रेच करते हैं, अब ये हमारा बिल्कुल ओके आएगा। इमेज को हाइड करते हैं एंड ये देखिए पोर्शन खुला हुआ है, तो कैप कमांड की मदद से हम इसका जो है कैप करेंगे, इसे हम कैप करके देखते हैं। ये यहाँ पर ओपन है, कैप, देखिए कैप हो गया, यहाँ से हम इसे कैप कर देंगे, ओके। अब अपने डायमंड को हम सेट करते हैं, जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे कि हमारा यहाँ बिल्कुल डिज़ाइन ओके लग रहा है वहाँ हम इसे छोड़ देंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा। थोड़ा सा इसे और करते हैं, जहाँ पर हमें महसूस होगा कि हम इसको छोड़ सकते हैं वहीं पर हम इसे छोड़ देंगे। जहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हमारा डिज़ाइन यहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ इसे छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को हम थोड़ा ऊपर जो है शिफ्ट करेंगे, बस आई थिंक ओके हो गया मेरे हिसाब से ये। इमेज को लॉक कर देते हैं, इसको हाइड करते हैं एंड इसका जो नीचे चार बाउल्स दिए हुए हैं छोटे स्मॉल साइज के, उन्हें ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ से हम एक राउंड कॉर्नर का स्क्वायर लेंगे, रेक्टेंगल कॉर्नर वाला टूल, ये लेकर के हम इसको भी सेंटर से मिड से पकड़ेंगे, एक स्क्वायर लेंगे एंड ट्रिम कर देंगे इसे। हमें सिर्फ नई पोर्शन चाहिए, 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं हम इसे। थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसके हल्के से पॉइंट्स ऊपर से सिलेक्ट करेंगे एंड थोड़ा सा डाउन कर देंगे। पाइप कमांड देंगे एंड थोड़ा सा, अच्छा ये कैप ओपन रह गया। दोबारा पाइप कमांड देंगे, सेलेक्ट करेंगे एंड कैप फ्लैट, थिकनेस वही 50 रखेंगे हम, नहीं 60 करके देखते हैं, ये मेरे हिसाब से इनफ है। ठीक है, अलाइन करेंगे हम सेंटर मिड लाइन पर। इसे हल्का सा शिफ्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जहाँ पर हमें लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक जगह पोजीशन पर आ गया है वहाँ इसे छोड़ देंगे। यहाँ से एक स्पेयर लेते हैं, इसके ऊपर एक स्पेयर बनाएंगे जैसा कि आर्टवर्क में आप देख रहे हैं इमेज में। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसे बड़ा करेंगे, बस इसके ऊपर एक लाइन दी हुई है तो हम नॉर्मल एक सर्कल लेते हैं, स्पेयर के साइज़ का ही एक सर्कल लेते हैं हम, सर्कल सिलेक्ट करते हैं। स्केल करते हैं इसे, सॉरी अलाइन करते हैं इसे अपने स्पेयर पर वर्टिकल एंड पाइप कमांड देते हैं। ये आ गया है इसके ऊपर एक पाइप, इस तरह से देखिए आप, सबको ग्रुप कर लेते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं एंड जो हमने बेस बनाई है इसका बीच का जो एक पिलर बनाया है उससे हम इसे अटैच करेंगे। उसके लिए एक नॉर्मल सी लाइन लेंगे एंड लाइन को हम पाइप कमांड दे देंगे वही 60 से, सबको पकड़ेंगे एंड ग्रुप। हल्का सा शिफ्ट करते हैं और इसे ग्रुप कर देते हैं, चेक कर लेते हैं एरे पॉलर, 4 का एरे मारेंगे हम, चारों आ गए हैं। ठीक है, अंडू कर देते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं ये बाउल ड्रॉ करना। बाउल के लिए हम नॉर्मल से एक स्पेयर ले लेते हैं, स्पेयर का हाफ कर देंगे हम तो बाउल हो जाएगा। नॉर्मल एक स्पेयर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। स्केल करते हैं हम अपने इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे हाफ ट्रिम कर देंगे हम। इस तरह से इसे सेंटर में लेंगे, इस तरह से हम इसको ट्रिम कर देंगे। ट्रिम नहीं हुआ, ओके। तो जो हमने एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, हमें इसको पहले सरफेस बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम सरफेस की कमांड दे देंगे, सरफेस फ्रॉम प्लानर कर्व। अब यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे। अब हो गया ट्रिम, इसे डिलीट कर देते हैं एंड सरफेस को भी डिलीट कर देते हैं। यह हमारा हाफ बाउल आ गया है। अब इस तरीके का डिज़ाइन कॉर्नर्स वगैरह राउंडेड कैसे बनने हैं वो देखिएगा। आर्क टूल लेते हैं, आर्क टूल से हल्का सा एक राउंड बनाते हैं, हाफ राउंड। स्ट्रेट लाइन लेंगे मिड से, फिर स्ट्रेट लाइन लेंगे इस तरह से, इसको मिरर कर देंगे दूसरी साइड, सबको सेलेक्ट करेंगे एंड जॉइन।
हाफ बाउल के सेंटर में लेकर के आएंगे इसे, अलाइन सेंटर। ओके अभी पर्सपेक्टिव में देखिए, इसे हम प्रोजेक्ट करते हैं, पुल कर्व ऑन कंट्रोल पॉइंट्स। कर्व को सिलेक्ट किया, बाउल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, वो कर्व हमारा बाउल के ऊपर प्रोजेक्ट हो गया है। रिकॉर्डिंग हिस्ट्री हमारी ऑन है, रिकॉर्ड हिस्ट्री, इसलिए हम इधर वाले कर्व को मूव करा रहे हैं, तो हमारा वो कर्व भी मूव कर रहा है। पाइप कमांड देते हैं, 40 नहीं थोड़ा कम है, अंडू करते हैं। पाइप कमांड 60 ठीक है, इसे हाइट करते हैं। ये काफ़ी थोड़ा चौड़ा लग रहा है मुझे, इसे हम थोड़ा कम करते हैं, बट हमारा थोड़ा शेप चेंज हो रहा है। अंडू करते हैं, पहले हम कर्व को ही थोड़ा छोटा करते हैं साइड से, स्केल बंडी नहीं थोड़ा ज़्यादा करते हैं, इतना ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, दोबारा पाइप कमांड देते हैं, 60 ओके, इसे हाइट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ओनली कर्व को, ग्रुप एरे पोलर 0 एंटर, एंड 16 नहीं 16 ज़्यादा हो गए हैं, 14 12 कम है, 14 ठीक है, 14 ओके। अब जो हमारा बाउल है उसे हमें जो राउंड कॉर्नर से वहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा, बट ये गलत हो रहा है, अंडू करते हैं, हल्का सा हमें इसे ऊपर लेना पड़ेगा जी, बस इतना, इसे हाइट करते हैं, फिर वही प्रोसेस दोबारा हमें करना पड़ेगा, एरे पोलर 0 एंटर, 14 एंटर एंटर। फिर से वही करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, बीच का एरिया कट करते हैं, सारे कर्व को हम पहले एक बारी में सिलेक्ट कर लेते हैं, ट्रिम करते चले जाएंगे बीच का पोर्शन, कुछ इस तरह से, मुझे थोड़ा अभी भी गलत महसूस हो रहा है, बट चलिए एक बार करके देखते हैं, हो सकता है कि दोबारा हमें करना पड़ जाए। मे बी बाउल के ऊपर के कर्व्स जो हैं राउंड, वो पूरी तरीके से राउंड नहीं आएंगे। चलिए कोई नहीं, एक बार करके देखते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम मुझे लग रही थी वही हो गई, राउंड पूरी तरीके से नहीं आ पाया है। देखिए ऑफसेट मार्कर दिखाता हूँ आपको मैं, ऑफसेट सरफेस 25 बहुत कम है, ऑफसेट सर्फ 60 ओके, क्लिप ऑल 80 करते हैं। देखिए ये हमारा गलत सा लग रहा है, बीच में कट दिखाई दे रहे हैं। इसे हमें अंडू ही करना पड़ेगा, एंड इसका एक तरीका और है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए हम इसे अंडू कर लेते हैं।
अब इसका तरीका ये है कि हम इसको ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे, हल्का सा ऊपर करेंगे बस, जो कि इसकी एज को टच करे, बस सिर्फ इतना बस। हल्का सा बस एज को टच करता हो, बस बस इतना। अब वही सेम प्रोसेस करेंगे हम, वो कर्व थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। सेम वही प्रोसेस, कर्व सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप एरे पोलर 0 एंटर, 14 एंटर। अब सभी को एक ही बारी में सेलेक्ट कर लेते हैं हम, बाउल को अनसेलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा करके, और अब हम ट्रिम टूल लेकर के ट्रिम करते चले जाएंगे। अब देखिएगा राउंड ही आएगा, जो प्रॉब्लम उस टाइम आई थी वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, नोटिस कीजिएगा। ट्रिम ट्रिम एंड ट्रिम, ओके। ऑफसेट कमांड देंगे हम, ऑफसेट सर्फ फ्लिप ऑल 680, एंड देखिए अब कॉर्नर्स राउंड हैं और उससे मैच करते हुए आए हैं। ओके सबको पकड़ते हैं, ग्रुप करेंगे। ओके अब एक छोटा बाउल हमें चाहिए, तो हम इसी की कॉपी कर लेंगे, हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट प्रेस करके हम इसी की कॉपी करेंगे, स्केल 2D, ओके। और यहाँ हम इसको सेट करते हैं, अलाइन वर्टिकल सेंटर एंड डाउन प्लेस, ठीक है। ओके डबल कॉपी हो गया, इसे डिलीट कर देते हैं। इसे सबको पकड़ के ग्रुप कर लेंगे, एंड एरे पोलर 0 एंटर, 4 एंटर। चार बाउल आ गए हैं हमारे, सन ग्रुप करते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, प्रोजेक्ट हिस्ट्री हमारी ऑन है, तो हम एक को छोटा करेंगे तो चारों हमारे ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से, चारों को पकड़े ग्रुप करेंगे, हाइट करते हैं, एंड ये एक हल्की सी बेल दी हुई है गोल सी साइड में, इसे ड्रॉ करते हैं। आर्क टूल से बनेगा नहीं, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। नहीं नहीं बनेगा, चलिए नॉर्मल अपना कर्व टूल लेते हैं, मैन्युअली ड्रॉ करते हैं, जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं ड्रॉ, बाकी उसके बाद हम इसको रिबिल्ड से ठीक करेंगे। रिबिल्ड कमांड एंड 20, नहीं 30, ओके। थोड़ा बहुत मैन्युअली इसको जल्दी जल्दी ठीक कर लेते हैं। आप आराम से, आप लोग आराम से टाइम लेकर के कर सकते हैं, वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, मैं इस इमेज का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और इस इमेज को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो देखकर। जैसे जैसे स्टेप्स से मैंने इसको तैयार किया है, मॉडलिंग की है इसकी, उस तरह से आप भी कर सकते हैं।
यहाँ से हम इसको कमांड देंगे एक्सट्रूड कर्व 50। ओके, बल्कि एक काम करते हैं, इसे हाइट करते हैं एंड नहीं, इसे अभी अंडू करते हैं, अंडू करते हैं। अब इसे हम हाइट करते हैं इमेज को। यहाँ जो एक ये कॉर्नर वाला पोर्शन आ रहा है, इसको हम जो है इसमें टच करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम, नहीं सॉरी, ट्रिम, ओके, इसे कंट्रोल जे से हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम पॉइंट पकड़ेंगे, हल्का सा इसे नीचे ले आएंगे। यहाँ पर हम तुम कमांड देंगे फिलेट, नॉर्मल फिलेट। दे देते हैं हम 50। ओके, करेक्ट। यहाँ भी हम थोड़ा दे देते हैं फ्लेट, 10 का दे के देखते हैं, बहुत कम है मेरे हिसाब से, 10 नहीं चलेगा। फ्लेट 40। ओके, हल्का सा पॉइंट हम एडजस्ट करेंगे। अब कमांड देते हैं एक्सट्रूड कर्व 50 का रेडियस। ओके, ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स को हम राउंड करते हैं फिलेट एज, एजेस इसकी, फिलेट एज 10 का रेडियस बहुत ज़्यादा कम है। दोबारा देते हैं फिलेट एज 30, ये थोड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया। फिलेट एज रेडियस 20, अभी थोड़ा और बढ़ सकता है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अंडू फिलेट एज एंड 23, आई थिंक ये ओके है, बिल्कुल ठीक है, इनफ है बिल्कुल। इसे डिलीट करते हैं, ये एक्स्ट्रा राउंड ड्रॉ है हमारे पास, इसे पकड़ेंगे हम, पोलर एरे मारेंगे। एरे पोलर, एंटर, 4, एंटर। कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ये सेंटर में क्यों नहीं आया? देखिए चारों पॉइंट्स एक दूसरे के सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में कैसे नहीं आया? अंडू करते हैं, देखते हैं ये सेंटर में है या नहीं है। ओके ओके, सेंटर आउट है इसका, पहले हम इसे सेंटर में लेते हैं एंड अब इसका एरे पोलर मारेंगे, 0, एंटर, 4, एंटर। देखिए अब चारों हमारे सेंटर में आ गए हैं, ग्रुप कर लेंगे, हल्का सा इसे रोटेट करेंगे। इसे हम 45 डिग्री पर रोटेट करते हैं, नॉर्मली इसे 45 पे करेंगे, बिल्कुल ठीक। ओके, अनहाइट करेंगे हम, इमेज को हाइट कर देते हैं। आइसक्रीम बाउल हमारा बनकर रेडी है दोस्तों। थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे वाले बाउल से टच कर रहा है, मिल रहा है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा एक अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा इसको पोर्शन देना है, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही एक दूसरे में चिपक सा रहा है। आर्क टूल लेंगे, अपने हिसाब से कुछ ऐसे ही हम एक जो है डिज़ाइन बना देते हैं। रिवॉल्व एक्सिस फुल सर्कल, देखते हैं पर्सपेक्टिव में। देखिए इस तरह से ही अपने हिसाब से मैंने एक बीच का पोर्शन डाल दिया, जिससे कि थोड़ा सा ये ऊपर दिखाई देगा। बेस पॉइंट थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने इसका। अब
आप थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं जहाँ पर हमें सूटेबल लगेगा वहाँ हम इसे छोड़ देंगे। इतना ठीक है। अनग्रुप जितने भी कर्व्स हैं इसके सब हम सेलेक्ट करके उन्हें डिलीट करते हैं। कमांड देते हैं SELCRV सेलेक्ट कर्व एंड डिलीट, कंट्रोल जी ग्रुप, मूव करेंगे इसे हम 0 पॉइंट पे, 0 एंटर, और ये हमारा आइसक्रीम बाउल रेडी हो चुका है। मेरी आवाज़ के साथ दोस्तों हो सकता है थोड़ी नॉइस माइक में रिकॉर्ड हो रही हो, तो प्लीज़ नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। हम इसको कलर अलग अलग कर देते हैं क्योंकि हमारा जो बाउल है वो ग्लास है, ग्लास मटेरियल है, और जो हमारा मेटल वाला पोर्शन है हम उसको अलग कलर देंगे। ग्लास को हम दे देते हैं सियान कलर। अनग्रुप करते हैं, सभी को अनग्रुप करेंगे, ओनली बाउल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सियान कलर देते हैं। और हम अब सभी मेटल वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं, उसे हम रेड कलर देंगे। अच्छा दोस्तों, अगर किसी को की शॉट की रेंडरिंग के बारे में जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, या मैंने अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वायरी हो, आप सब जानकारी ले सकते हैं मेरे से, वहाँ आप बताएं। अगर किसी को की शॉट रेंडरिंग सीखनी हो तो मैं अपने प्रोजेक्ट के साथ की शॉट की रेंडरिंग भी बताऊँगा। ये हमारी एक ब्लू कलर की पेस है, तो हम ब्लू ही कर देते हैं इसे। एंड ये जो हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल, हम इसको ग्रीन कलर कर देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमें कलर यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि की शॉट में जब हम इसको रेंडर करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए अलग अलग कलर्स, क्योंकि हम हर कलर पर अलग अलग मटेरियल डालते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फाइल हम करते हैं सेव, आइसक्रीम बाउल। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।